प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ पंकज और स्वागत है आपका लॉजिक ग्रुप है। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे समय थे आप जिसका इंतजार कर रहे थे, आपकी संविदा शाला शिक्षक के एग्जाम का एक नोटिफिकेशन आ चुका है। आपने काफी न्यूज़पेपर्स में YouTube चैनल पे देखा होगा, लेकिन हमने इसको हमारे ब्लॉग पे डाला है। और क्या है पूरा नोटिफिकेशन, अगर आप बिल्कुल डीपली जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ब्लॉग की लिंक दी हुई है, या तो वहां जाकर आप देख सकते हैं या फिर इस वीडियो को अंत तक देखकर भी आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या क्या नोटिफिकेशन है, किस प्रकार से एग्जाम हो सकती है। क्योंकि चुनावी साल है और सरकार चाहती है कि, कई बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि संविदा एग्जाम आएगी और 5 साल बीत चुके हैं, तो चुनावी साल में इस परीक्षा को कराना अनिवार्य है। जैसा कि आप जानते हैं अभी आपकी आचार संहिता लगने वाली है, अगर उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्जाम जरूर हो सकती है आचार संहिता के दौरान। तो आइए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरा नोटिफिकेशन को, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ब्लॉग की लिंक है, वहां जाकर भी आप पढ़ सकते हैं, और या तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आप नए हैं और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, इसी प्रकार से और नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका निकला है मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक भर्ती, जो कि वर्ग 1, 2, 3 के लिए होना है, जिसकी हमने एक थोड़े ही दिनों पहले एक वीडियो बनाकर आपको बताया था इसके बारे में, कि एक राजपत्र जारी किया गया है सरकार द्वारा, उसमें इस परीक्षा का नाम चेंज कर दिया गया है, सहायक शिक्षक भर्ती कर दिया जाएगा, और उसके पद संबंधित भी डिटेल हमने आपको बताई थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो भी जरूर देखिए। यहाँ पे क्या बताया है मध्य प्रदेश शाला संविदा शिक्षक परीक्षा के बारे में, कि पिछले 5 वर्षों से ये चल रहा है कि संविदा शिक्षक की भर्ती आएगी नहीं आएगी, और स्थगित होती ही जा रही थी। काफी ज्यादा अनाउंसमेंट इसके लेकर किए जा रहे थे, किंतु अब चुनावी साल होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार जल्दी संविदा शिक्षक की भर्ती का विज्ञापन जारी करने वाली है। सरकार का साफ इरादा है कि चुनाव के पहले भर्ती की जो परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, उसके लिए पीईबी को रूल्स भी भेज दिए गए हैं। ठीक है, समाचार पत्र के खबर के अनुसार ये बात भी कही जा रही है कि परीक्षा जो आचार संहिता के दौरान भी कराई जा सकती है, अगर इसका नोटिफिकेशन इससे पहले जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और संविदा भर्ती परीक्षा निकालना सरकार के लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है, जैसा कि हमने आपको बताया, मुख्यमंत्री जो हमारे शिवराज सिंह चौहान ने कई बार अलग अलग मंचों से ये घोषणा कर दी है कि संविदा शिक्षक की भर्ती जल्दी आएगी, अगर ये भर्ती नहीं निकालती तो काफी ज्यादा उनको वोट बैंक का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, जो इस एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया राजपत्र भी जारी किया गया था इस परीक्षा के संबंध में, जो कि सहायक शिक्षक के नाम से हो यह परीक्षा, तो इसके संबंध में राजपत्र पूरे नियम दिए गए हैं, आप जाकर भी वहां पर देख सकते हैं। भर्ती संबंधित नियम और पदों की संख्या के लिए आप उस लिंक पे देखिए, जिसे नीचे एक लिंक दी गई है, आप उसके भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो देख लेते हैं समाचार पत्र जो दिया गया है उसमें क्या महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो है, तकरीबन 40,000 पदों भर्ती होना है, बिल्कुल सही। आचार संहिता के दौरान भी भर्ती हो सकती है, क्यों हो सकती है हमने आपको बता दिया, अगर पहले नोटिफिकेशन आ जाता है तो भर्ती का नियम भी जल्दी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, पीईबी को भेज दिए गए हैं, 5 वर्षों से परीक्षा की तैयारी चल रही है तो अभी तक नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है ये भी आप जानते हैं, और तकरीबन 15 से 20 लाख आवेदन आ सकते हैं, 20 लाख आवेदन आ सकते हैं। ठीक है, 10 से 20 लाख, और क्या है पूरा नोटिफिकेशन वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपके सामने दैनिक जागरण जो सोर्स है जहां से हमने पेपर लिया है उसकी कटिंग भी आपके सामने दी गई है, आप पढ़ चुके ही होंगे। ठीक है, तो अगर आप परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए लॉजिक गुरु। ठीक है, और ये पहले जो हमने एक वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ब्लॉग पर भी आपको मिलेगा, इसे भी आप देख सकते हैं क्या क्या पात्रता रहेगी अगर इसका नाम सहायक शिक्षक कर दिया जाता है। तो ये था एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपके लिए, तो आप भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत ही, ताकि इसी प्रकार से और नोटिफिकेशन आपको हम दे पाएं, और आप नए हैं जरूर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम मोटिवेट हो इसी प्रकार से और वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, ब्लॉग जरूर विजिट करिए, काफी अच्छे कंटेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, logicguru.org, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।